जो व्यक्ति भोग विलासी जीवन से दूर रहता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर काबू रखता है और अपने खाने पीने में नियंत्रण रखता है, उसे बुरी प्रवृत्तियां हिला नहीं सकती, जिस प्रकार वायु हिमालय पर्वत को नहीं हिला सकती। इसी पर भगवान बुद्ध की एक कहानी है। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में हो, उसे बाहर की चकाचौंध प्रभावित नहीं कर सकती, उसे लालच नहीं दे सकती। व्यक्ति को जड़ रूपी वस्तु यानी किसी मशीन की तरह नहीं बनना चाहिए। जिस प्रकार हम बिजली को जब चाहे बटन दबाकर प्रकाशित करते हैं और जब चाहे उसे बुझा देते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति भी मशीन की ही तरह दूसरे पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि वह किसी की जरा सी झूठी मूठी तारीफ से खुश हो जाए और किसी के कड़वे शब्दों से मुंह फुलाकर बैठ जाए। तात्पर्य यह है, व्यक्ति का हंसना और रोना किसी दूसरे पर निर्भर हो जाए तो उस व्यक्ति को मशीन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अतः व्यक्ति को चाहिए कि वह जब चाहे हंस सके और जब चाहे रो सके, ना कि किसी के कहने पर। इस प्रकार व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है और फिर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह व्यक्ति महान है जो जिस विषय में मन लगाना चाहे लगा सकता है और जिस विषय में ना लगाना चाहे उसे रोकने में समर्थ होता है। जिस संकल्प को मन में उत्पन्न होने देना चाहता हो, उस संकल्प को उत्पन्न होने देता हो, वह महान है। उसे अपनी इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त है, उसे बुरी प्रवृत्तियां छू तक नहीं सकती, वह हिमालय की तरह दृढ़ है। अतः जो भोजन शरीर के लिए खाता हो, अर्थात भोजन की मात्रा को जानता हो, वह व्यक्ति प्रज्ञावान है। और जो व्यक्ति पूर्ण आस्था के साथ अपने मन को नियंत्रण करने में लगा रहता हो, वही श्रद्धावान है, वही आस्थावान है।